हम बात कर रहे हैं आज सेकेंड क्लास इसकी एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला एक्सेल 2021 पे। अभिषेक जी हमारे साथ है। अभिषेक जी हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन, हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा। अब सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्सेल में हम कुछ भी करते हैं, एनीथिंग आप एक्सेल में करते हो तो क्या जरूरत पड़ती है सिलेक्शन की। बैकएंड सिलेक्शन हमें लगता है कि आप एक्सेल में कुछ कर पाए, जैसे कि अगर आपको कॉपी करना है, आपको पिवट लगानी है, आपको फिल्टर लगाना है, आपको फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ भी करनी है, हमें डेटा को सिलेक्ट करना होता है। जब तक डेटा सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसकी चीजों पे यूज नहीं कर सकते। सो डेटा सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ओके सर। अब यहां पे बात हम करते हैं कैसे सिलेक्शन करें। तो हम यहां ऊपर में क्लिक करते हैं, अपने शिफ्ट की को होल्ड करते हैं और लास्ट में क्लिक करते हैं। ऐसा जब करते हैं तो आपका डेटा हो जाता है सिलेक्ट। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में कर्सर रखा, शिफ्ट की को प्रेस किया, सबसे लास्ट में क्लिक कर दिया, डेटा सिलेक्ट हो गया। ओके जी सर। तो इसका मेथड क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हेलो मेट्रोला से किसने ज्वाइन किया है, नाम बताएंगे प्लीज। सर म्यूट है आप। हेलो हेलो जी, मैं शुभम हूँ। एक्चुअली मुझे वो डेमो के लिए बोला था। हाँ हाँ मैंने लिंक भेजा है आपको सर। शुभम जी नाम जी, नहीं जी, था ना जी, जी, पता जी. नहीं चला। चलिए ओके तो ओके हम बात करें डेटा सिलेक्शन की। तो माउस से क्लिक करके सिलेक्ट करने के बजाय आप सबसे स्टार्टिंग में कर्सर रखें, शिफ्ट की को होल्ड करें और नीचे सिलेक्ट करें, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब कर्सर यहाँ है और मुझे यहाँ लाना है, जस्ट यहाँ क्लिक करते तो कर्सर हमारा जंप करता है ना यहाँ से यहाँ तक। जी सर। तो यहाँ जी हम क्या करते हैं कि जब शिफ्ट की के साथ क्लिक करते हो तो आप देखिए सिलेक्शन को एक्सटेंड करते हो, सारे कैसे सेक्टर करते हो, एक्सटेंड करते हो। समझ गए। अब हम बात करते हैं कि कीवर्ड से कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो जनरली हम लोग कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल। तो कंट्रोल ए से आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन डेटा हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कंट्रोल ए किस चीज को ट्रिगर करता है, क्योंकि हर एक शॉर्टकट का एक मेनू कमांड होता है। जैसे कंट्रोल सी का ये रहा मेनू कमांड, कंट्रोल वी का ये रहा मेनू कमांड। तो कंट्रोल ए का क्या है, तो यहाँ गो टू स्पेशल में आप जाते हैं, यहाँ पे गो टू स्पेशल फाइनेंस एक्ट के अंदर, तो यहाँ आपको दिखेगा करेंट रीजन। तो कंट्रोल ए इसी को ट्रिगर करता है जिससे आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल ए एक बार दबाते हैं तो पूरा डेटा सिलेक्ट होगा, दोबारा दबाते हैं तो पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट हो जाती है। इस तरह से सीट को सिलेक्ट ओके करने का एक सर। और तरीका है कि ए और वन के बीच में जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक करें। जब इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा सीट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंट्रोल ए करने के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर ब्लैंक कर दिए एक रो, अब कंट्रोल ए तो शीट वाला सर, शीट कैसे किया था आपने इंसर्ट, शीट वाला कैसे किया था अभी आपने, यहाँ वन दिख रहा है, वन और ए के बीच में जो रेक्टेंगल है इस पे क्लिक किया था, अच्छा ये पूरा सिलेक्ट हो गया उसके बाद, ठीक है। क्लिक करते पूरा सिलेक्ट हो गया जी सर। अब डेटा में अगर मान लीजिए ब्लैंक है आपका, तब आप कंट्रोल ए करते हैं तो आपका ब्लैंक से ऊपर ही सिलेक्ट होगा, ब्लैंक के नीचे सिलेक्ट नहीं होगा, ब्लैंक के ऊपर ही सिलेक्ट होगा, ब्लैंक के नीचे नहीं सिलेक्ट होगा, ठीक है। ब्लैंक पे क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे तो ऊपर का सिलेक्ट हो, नहीं
नहीं, बात समझे नहीं। कंट्रोल ए का मतलब ऑल सिलेक्ट ऑल नहीं है, कंट्रोल ए का मतलब होता है करेंट रीजन, मतलब कि आपके डेटा कंटिन्यूस जहां तक है वहां तक सिलेक्ट कर लेगा। ये बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़े छोटा सा डेटा दिख रहा है आपको, लेकिन ऑफिस के अंदर में बड़े बड़े डेटा होते हैं, 10,000, 20,000, 10 लाख के, तो जी वहां पे सर, आप नीचे स्क्रॉल करके नीचे तक तो देखते नहीं है कहाँ तक डेटा आपका, कहाँ ब्लैंक है नहीं ब्लैंक है, वो कंट्रोल ए करते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। होता है कि अगर 1 लाख का डेटा है तो हो सकता है कि 90,000 तक आपका हो और उधर 10,000 का आपका डेटा है में ब्लैंक हो, तो आपने पिवट लगाया, आपने सर, फिल्टर लगाया, आपने कॉपी किया, तो क्या हुआ, 90,000 कॉपी हुआ, नीचे के 10,000 कॉपी नहीं हुई क्योंकि बीच में एक ब्लैंक रो आ गया था। ठीक है, तो जी सर, एक सर अब ब्लैंक कैसे में चेक करें, कैसे चेक करें कि इसमें इस हमारे डेटा में ब्लैंक है या नहीं है। तो सिंपल है कि आप सबसे ऊपर कर्सर पे रखें और कंट्रोल बटन को प्रेस करें और एरो की को नीचे की तरफ प्रेस करें, आपका कर्सर जाके रुक जाएगा जहां ब्लैंक होगा। ठीक है, ओके सर, इस तरह से तो पता चल जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर बहुत सारे शॉर्टकट्स बता रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद ये फाइल आपको दे दी जाएगी और इस फाइल के अंदर आप देखेंगे ये सारे शॉर्टकट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, सर, तो ब्लैंक के बारे में आपने क्या बताया था कि ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या दबाना है कंट्रोल सर? के साथ नीचे आइए, कंट्रोल के साथ नीचे आइए। ऊपर क्लिक कर लिया सर, उसके बाद कंट्रोल दबाना है। जी, सही बोला आपने। जैसे ऊपर से कंट्रोल के साथ जब एरो की है ना, कर्सर मूव करने के लिए आप एरो की यूज करते हैं ना, तो अच्छा, कंट्रोल एरो के की है। साथ अच्छा, अगर डाउन एरो की प्रेस ठीक है करते सर, हैं आप तो कर्सर आपका ओके, नीचे समझ जाएगा। गए। ठीक है, इस तरह से। समझे, ठीक समझ गए सर। है। अब यहां पे क्वेश्चन आती है कि हम जब कंट्रोल के साथ कर्सर को मूव कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका ध्यान रखें, कि आपका डेटा में कोई ब्लैंक रो ना हो। ओके, एक अगर ब्लैंक हुआ तो कर्सर वहीं तक रुक जाएगा, मतलब यहां पे कंट्रोल सिर्फ राइट एरो डाइन एरो, कर्सर रुक गया। क्लिक किया उसके बाद कंट्रोल और राइट एरो दबाना है। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एरो, शिफ्ट सिलेक्शन के लिए हमेशा कंट्रोल शिफ्ट दबाया जाता है। सुनिए, कर्सर मूव करने, तीन पार्ट है इसमें, कर्सर मूव करने के लिए हम एरो की यूज करते हैं ना, लेफ्ट सर, राइट अप डाउन, और कर्सर के साथ सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ कर्सर मूव करते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो जंप होते हुए सिलेक्शन होगा, जैसे कंट्रोल शिफ्ट राइट किया सबसे लास्ट में राइट में चला गया, डाउन किया सबसे नीचे आएगा एक ही बार में, समझे। ओके, समझ गए सर। हाँ और एक सबसे अच्छा सर, है कि आप कंट्रोल एंड का इसमें इस्तेमाल करें, कंट्रोल शिफ्ट एंड। एक चीज, बोलिए, क्या बोल रहे हैं। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए,
वो अगर बीच में अगर जैसे मान लीजिए कोई ब्लैंक या इंसर्ट है पड़ा हुआ, मतलब कोई एंट्री नहीं है इसमें, तो हम अगर ये कंट्रोल शिफ्ट और ए मतलब एरो की दबाएंगे, पहले तो लेफ्ट के लिए दबाएंगे, सॉरी राइट के लिए, एंड फिर जी डाउनग्रेड वाली दबाएंगे, जी तो अगर बीच वाला कोई खाली है देन बीच वाले से खाली क्या मतलब होगा? नहीं है, ये यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए पहला रो, तो कर्सर मेरा पहले रो में ना है। जैसे यहाँ पे अगर ब्लैंक होगा, जैसे यहाँ ब्लैंक कर दिया मैंने, तो रुक जाएगा, रुक गया। अगर बीच में ओके कहीं ओके ब्लैंक है ऊपर नीचे कहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये पड़ा फर्क, यस सर पहले कॉलर में नहीं होना चाहिए, इसलिए तो पहले कॉलर में लोग आईडी सीरियल नंबर वगैरह डालते हैं। और कंट्रोल ए का है, कंट्रोल ए कर ही सकते हैं अगर दिक्कत है तो। एक चीज और है, कंट्रोल शिफ्ट एंड भी कर दीजिएगा, आपने कीबोर्ड में देखिए एंड बटन होगा, एंड कीजिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो बोलेंगे सर एंड में तो यहां तक सिलेक्शन हो गया, डेटा तो मेरा यहां तक का था। एंड क्या करता है, यूज्ड सेल को सिलेक्ट करता है। अगर आपके पास सिर्फ डेटा ही है, फालतू तो कोई रो आपने यूज नहीं किया है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड करें तो सिर्फ डेटा ही सिलेक्ट होगा, चाहे ब्लैंक हो ना हो, क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सर, जो एंड 7 पे है वही वाला एंड जी हाँ जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम कंट्रोल करेंगे नीचे से ऊपर, तो ऊपर सिलेक्ट कर देगा, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड, और नीचे से ऊपर के लिए कंट्रोल शिफ्ट होम। सर, एंड एंड मतलब वो एंड वाला ना, ईएनडी वाला एंड। जी हाँ, ई एन डी एंड, ठीक है सर। ठीक है। तो 7 के ऊपर वाला एंड जो वो कर रहे हैं जी हाँ सिलेक्ट हो जी नहीं हाँ, रहा यही है। एंड एंड, पेज एंड की बात नहीं कर रहा, पेज डाउन पेज अप नहीं, सिर्फ होम और एंड का बटन होगा। एंड सेलेक्ट हो नहीं रहा सर। मिला कि नहीं? एंड का अलग बटन तो होगा, सेवन होम एंड के का डिलीट के बगल में आएगा। सर यहाँ पे एंड वही सर, जो सिंबल वाला एंड होता है वही ना सर। नहीं 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 एंड 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 बोल रहे ही हैं वो, यहाँ तो लिखा है, मेरे लैपटॉप पे तो नहीं है। होगा, होगा लास्ट में होगा। कौन सा ऐप में, ये मैक है क्या आपके पास? सर ए सर है सर, ए सर। हाँ तो उसमें होना चाहिए, अच्छा ढूंढना एंड ये रहा, मिल गया सर, मिल गया। पड़ता है, थोड़ा छोटा होता है, ठीक है? अब बात करते हैं हम मल्टीपल सेल सिलेक्शंस की, मतलब मुझे कुछ सिलेक्टेड सेल्स को ही सिलेक्ट करना है। तो क्या करें, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल की प्रेस करें और छोटे 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 जहां सिलेक्ट करना है क्लिक करते जाएं, वो आपका सिलेक्ट होता जाएगा, ठीक है? इस तरह से। लेकिन इस पे आप कलर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आप इस पे क्या नहीं कर सकते, इस पे आप कॉपी नहीं कर सकते। मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके आप कॉपी करेंगे तो सीधे बोलेगा दिस एक्शन डॉट वर्क फॉर मल्टीपल सिलेक्शन। कॉपी करना है तो सीक्वेंस में करना पड़ेगा। जैसे मुझे ए टू लेना है और सी टू लेना है, तो ए टू और सी टू लेते हैं तो हो जाएगा। तो मैंने कहा टू रो में ही आपको आगे जितना सिलेक्ट करेंगे उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है? चाहे एक सेल हो चाहे ऐसे ज्यादा, मुझे 3 4 5 लेना है, तो 3 4 5 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, 3 4 5। कंट्रोल के साथ डी कॉलम में भी आपको जो सिलेक्ट करेंगे 3 4 5 ही सिलेक्ट करना होगा। सिक्वेंस में जहां भी सिलेक्ट करेंगे सेम होना चाहिए, चाहे रो या कॉलम, समझे सर? जी तो आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब कंट्रोल की बात आई है तो हम एक चीज एग्जांपल और देना चाहेंगे शीट्स पे। जैसे मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, मुझे क्या करना है, सारे शीट पे क्या करना है, सारे शीट के ऊपर डेट लिखना है। क्या लिखना है? सर, डेट लिखना सर है। एक सेकंड रुकिएगा सर। इसे मैं कंट्रोल करके सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए और कॉपी कर रहा हूं, तो सर यहाँ पे आ रहा है कि एक्शन वोंट वर्क ऑन मल्टीपल सिलेक्शन। हाँ तो मैं बताया ना आपको कि आपको एक एक करके करना पड़ेगा, सेम रो में, रो चेंज नहीं होना चाहिए, डी सेम रो रो पे सर्किल सर में, सेलेक्ट कर लिया। या कॉलर में करना चाह रहे हो सेम कॉलर होना चाहिए, समझ गए?
सर डी सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, मतलब क्या पूरा डी इसे सिलेक्ट करना है, कहीं सिलेक्ट कर लिया उसके बाद उसको अंडू करना, सिलेक्ट से हटाना होगा तो क्लिक कर लीजिए, मतलब सब सारा हट जाएगा फिर बिना जिसको कंट्रोल के जित साथ कहीं क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट हट जाएगा। फिर वो सारे हट जा रहे हैं, मतलब जितने भी सिलेक्ट किए हैं, एक को हाँ तो इन एक को अगर अनसिलेक्ट मान करना लीजिए हो। किसी एक को हटाना है तो उसको वापस क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल प्रेस रखिए, ठीक है। सर वो डार्क हो जा रहा है, एक बार ग्रे हुआ फिर और ज्यादा ग्रे हो गया फिर और मान ज्यादा लीजिए ग्रे हुआ हो ना, गया। मुझे 85 सिलेक्ट गलती से कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं कंट्रोल को होल्ड ही रखूंगा, कंट्रोल नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वापस आके क्लिक कर दूंगा, क्लिक करें हम सिंपल क्लिक, क्लिक करके आप क्लिक मत रखिएगा, जस्ट क्लिक करके कर्सर हटा दीजिए, समझे। एक दो जी बार सर ट्राई कीजिए, हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए आते सीट पे, तो सीट के ऊपर हम आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे सीट 4, सीट 5, सीट 6, सीट 7, सीट 7, इतना सीट है। मुझे हर सीट के ऊपर मान लीजिए A2 में और B2 में डेट लिखना है, तो आप एक पे लिखेंगे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि आप शिफ्ट के साथ पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लें। शिफ्ट के साथ क्या करें, पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ सॉरी ए पे डेट और यहाँ पे डेट देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हर सीट के सेम लोकेशन पे आपका डेट टाइप हो चुका है। हो गया सर, मैंने क्या जी किया, सर हो पहले गया, हो गया। सीट पे क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड किया, सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक किया, और सारा सीट सिलेक्ट हो गया, यहाँ ऊपर ग्रुप आ गया। अब जो भी आप करेंगे वो हर सीट पे इफेक्ट करेगा, हर सीट पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। मुझे कुछ कुछ सीट पे करना है तो कुछ कुछ सीट को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे टुडे आज टाइम लिखता हूँ, तो आप देखेंगे तो कुछ कुछ सीट कैसे सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ करेंगे तो पूरा सिलेक्ट होगा, और कंट्रोल के साथ जहां जहां जो जो सीट चाहिए वो सारा सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह की चीजें मल्टीपल सिलेक्शन में आप कर सकते हैं। तो बाकी सिलेक्शन के शॉर्टकट मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं डेटा टाइपिंग के बारे में। देखिए एक्सेल में जब भी आप कोई डेटा टाइप करते हैं दो चीजें होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखता हूँ अपना नाम सुजीत कुमार, तो एक सेल के अंदर टाइप हो रहा है, आप बोलेगा कि सर बी कॉलम के पे जा रहा है, अगर बी में कुछ टाइप कर दिया तो ये छुप जाएगा, तो क्या ये नहीं सिर्फ सुजीत और KUM ही टाइप है, नहीं, इसके अंदर से अपना पूरा डेटा स्टोर किया है, वो विजुअल नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं है कि डेटा नहीं है, इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है, ओके। अब ओके यहाँ पे आता है कि जब भी आप कोई नंबर टाइप करते हैं, अगर ये पूरा दिखना है आपको तो कॉलम बड़ा कर लीजिए दिख जाएगा, छोटा करेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। जब भी कोई नंबर टाइप कीजिएगा तो नंबर टाइप करते ही और हमेशा लेफ्ट में आता है, सॉरी ठीक है नहीं राइट में, सॉरी राइट में आता है, और जब भी कोई नाम टाइप करते हैं तो लेफ्ट में आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डेट वगैरह जो है टाइप कर लेते हैं, जैसे सिंगल कोट लगाया और यहाँ पे डेट टाइप कर दिए, नंबर टाइप कर दिया, डेट टाइप कर दिए, टाइम टाइप कर दिए, फिर लेफ्ट में गया, जो कि सिंपली बता रहा है कि क्या है, एक टेक्स्ट है, नंबर तो है लेकिन सिस्टम इसको टेक्स्ट कार्ड में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम का फॉर्मूला होगा ऐसे जो फॉर्मूले होंगे इसका इफेक्ट नहीं होगा। और कभी भी किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टेक्स्ट जोड़ दिया तो इसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे यहाँ पे कई बार देखा होगा आपने कि MRP 1500 लिखा है, अभी भी कैलकुलेशन हो रहा है, तो अगर आप मैनुअली लिखते हो MRP 1500 तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना होगा, क्या करते हैं लोग जाते हैं होम मेनू बार के कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में, और इसके कस्टम में जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ MRP लिखते हैं
और लास्ट में जीरो दे देते हैं। तो कहाँ पे गए थे? यार ओके नंबर ठीक है दैट हाँ नंबर फॉर्मेट कर लें। कस्टम रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके आप चिंता मत कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ठीक है ना, तो परेशान मत होइए, समझिए स्टेप को। तो जैसे ओके करूंगा एएमआरपी पर 300 दिखेगा। तो देखिए डेटा एक्सेल में दो तरह का होता है, विजुअल एंड ओरिजिनल। तो ये जो आपको दिख रहा है आपका विजुअल है, ओरिजिनल आपका 1500 ही है। जब भी कोई फॉर्मूला या कैलकुलेशन करते हैं तो उसके ओरिजिनल पे होता है ना कि विजुअल पे। अब बात करते हैं डेट टाइपिंग की। तो आप डेट टाइप करने से पहले अपना डेट का फॉर्मेट देखें। तो मेरा डेट का फॉर्मेट है DDMMYY। तो आज के डेट डालने के लिए मैं लिखूंगा 10/1। अब करेंट ईयर है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस फ्यूचर ईयर है तो ईयर डालना पड़ेगा। एंटर मारिए, ये ऑटोमेटिकली 10 जनवरी दिखा दिया। ऐसे टाइम डालना है, मुझे अभी का टाइम डालना है 9:57। तो 9:57 मैंने डाल दिया, लेकिन ये रात के 9:57 है, इसलिए AM PM मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट AM में ले लेगा। लेकिन आपको AM PM में कंफ्यूजन है तो आप 24 घंटे का मेथड इस्तेमाल करेंगे, 21:57 तो टाइम आ जाएगा। नहीं लिखेंगे तो मतलब एएम अपना ले लेगा। जी हाँ 9:57 मतलब कि उसको सुबह का ले लेगा, उसके बाद समझेगा कि रात हो रहा है, उसमें देखेगा घड़ी रात है कि सुबह है क्या। अब जी सर यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मूला की। देखिए एक्सेल में आप जो है कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सेल्स है, अब मुझे इस सेल्स में मुझे ऐड करने हैं 20। तो हमने इक्वल प्रेस किया, उस सेल पे क्लिक करें तो क्लिक करते उस सेल का एड्रेस आ जाता है A2, मतलब एक कॉलम एंड टू नंबर रो, और इसमें +20 कर दिया, एंटर प्रेस किया, और इसको इजीली मैं ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूँ, ड्रैग होकर रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा यहाँ A2 था, लेकिन नीचे जब ड्रैग किए तो A3 A4 A5, मतलब एक जगह पे फॉर्मूला लगाने के बाद नीचे ड्रैग करेंगे तो सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होके नीचे की तरफ आता है। एक बेनिफिट है, मान लीजिए कि एक एक करके फॉर्मूला लगाना होता तो काफी टाइम लग जाता क्या। तो सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। बस सिंपल सा हमने इसके ऊपर +20 कर दिया ठीक है, और फिर नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर देते हैं सिंपल, हो गया। तो जी सर मैं कह रहा हूं कि जैसे हमने फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ A2 +20 किया था ना, लेकिन नीचे ड्रैग किया तो अपने आप A2 क्या हो गया, A3 हो गया, क्योंकि एक सेल नीचे ड्रैग किया तो A2 एक नंबर को इंक्रीज कर लिया। तो एक बेनिफिट है ना सर, वरना जी मुझे सर एक एक करके सब में लगाना पड़ता। लेकिन ये बेनिफिट प्रॉब्लम करती है कब, जैसे मुझे D1 पे लिखा हुआ था, मुझे क्या करना है कि 90 के ऊपर D1 के ऊपर की जो वैल्यू है उसको ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, D1 + A1 + D1 A2 + D1 कर दिया ठीक है। अब मुझे नीचे 36 में भी वही 20 जोड़ना है, तो मैं जब इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ गड़बड़ हो गई। क्यों, क्योंकि हम जब भी ड्रैग करते हैं तो एड्रेस इंक्रीज होता है ना सर। जी सर जैसे यहाँ लिखा तो A1 जो A2 जो था वो A3 बन गया, तो D1 से D2 बन गया। A1 को तो A2 बन रहे, A2 को तो A3 बनना था, बट ये तो फिक्स था हमारा, इसको नहीं बनना जी चाहिए था। सर तो आप चाहते कि कोई ना बढ़े, कोई नंबर ड्रैग करने पे कॉपी पेस्ट करने पे ना बढ़े, तो उसके आगे डॉलर का साइन लगा दीजिए ठीक है, वो फ्रीज हो जाएगा, फिर डॉलर कब फ्रीज हो लगता जाएगा जी। है? डॉलर कब लगाते हैं सर? जब मुझे यहाँ रुकना है, देखिए यहाँ पे A2 + D1 है, यहाँ पे A3 + D1 है, D1 चेंज हुआ नहीं हमारा हाँ चेंज, नहीं इसीलिए। लेकिन मैं D1 ने 1 के आगे लगाया था, मतलब कि 1 क्या है, रो है ना, रो। तो लेकिन मैं जब इसको लेफ्ट राइट ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे D जो है E बन जाएगा,
बन गया ही सर, सर। क्योंकि हमने डी के आगे डॉलर नहीं लगाया था, मुझे डी को भी फिक्स करना है कि डी फिक्स रहे, वन भी फिक्स रहे, तो दोनों तरफ डॉलर लगा दीजिए। अब मैं यहाँ आगे डी ट्राई बन गया। करूंगा तो फिक्स, देखिए यहाँ पे डी जो है ई नहीं बना इस बार। चलिए इसको आगे चल सोचते हैं। एक पहाड़ा पे मेरे पास एक वैल्यू डली हुई है, ये मुझे इस पे टेबल लिखना है, पहाड़ा जो होता है ना बच्चों लिखते हैं उसका। तो मैंने क्या जी किया, सर। मैंने 5 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, 2 किया ना 10 आ जाएगा। अब नीचे होना चाहिए 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इस तरह से 4 5 करेंगे तो टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम ड्रैग कर दें। लेकिन जैसे हम ड्रैग कर रहे हैं यहाँ पे 30 आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया था मैंने क्या, बट जी सर। यहाँ पे 5 और 10 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 जो यहाँ पे था D12 था, वो इंक्रीज होके क्या हो गया D13। तो मैंने क्या किया, 12 के आगे डॉलर लगा दिया सर। तो मतलब अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो 12 फिक्स रहेगा, 13 जो है 14 16 15 होगा, बट 12 फिक्स रहेगा। यही हुआ क्या सर? लेकिन जब इसको करके तो क्या सेवन रिजल्ट आता। फॉर्मूला की तरफ ड्रैग करेंगे तो एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा, क्या, देखिए अब यहाँ पे 12 जो है, 12 तो ठीक है, लेकिन यहाँ सी बढ़ गया, इसको तो 2 ही रहना चाहिए था ना, ये 10 जो हो गया तो 2 ही रहना चाहिए था ना, तो 7 2 14 होता, बढ़ गया। तो हमने ड्रैग करने से पहले डी के आगे सी के आगे, माफ कीजिएगा, सी के आगे हमने डॉलर का साइन लगा दिया। तो अब मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, 14 आ गया, ठीक है। और नीचे ड्रैग कर रहा हूं तो क्या होगा, 7 3 21 आ गया। मतलब अब आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी ड्रैग करेंगे हमारा तो पारा कंप्लीट हो जाएगा। डॉलर अल्फाबेट से पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। जी हाँ, जिसको बढ़ाना है वही बोला कि आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हो तो रो नंबर को फ्रीज करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो कॉलम नंबर को फ्रीज करेगा, तो अल्फाबेट नहीं आपको क्या सर, होता है, वो जो कॉलम होता है। मतलब पहले बी और नंबर के बीच में आपने लगाया, फिर सी के पहले जो लगाया, हमने तो जो मतलब मैंने कहीं भी बीच लगा में सकते किया हैं। ना, क्योंकि मुझे इसमें डी को फिक्स रखना है, क्योंकि 5 जो हमारा 5 है, 5 का कॉलन है वो फिक्स है, 5 से सबको करना है, तो मुझे 5 को कांस्टेंट रखना है, लेकिन जी सर। नंबर को तो बढ़ाते रहना है ना हमें, तो इसलिए इसके आगे नहीं लगाया। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। दिक्कत होगी तो कल एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा मैं, ओके। एक बार वीडियो देखिएगा दोबारा समझ में आएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो जो कैश में वो दिख रहा है, सेम चिट्टो बना के आपको लाना है और इसमें कैलकुलेशन करना है, एक सिंपल डेटा इंसर्ट करना है और इसमें अमाउंट कैलकुलेट करके टोटल निकालना। तो आज की क्लास की प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने के बाद ये होमवर्क करके मुझे भेजें, ओके सर, जी सर, ठीक है। हाँ, मटेरियल अभी आप सेंड करने वाले। व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग किया आपने कि नहीं? सर रिकॉर्डिंग आपके यहाँ से आ गया था कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन समटाइम मेरी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, नेक्स्ट टाइम से क्योंकि करूँगा। हाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण। अभी तो मैं फाइबर पर बैठा हूँ तो ये मैं कर दे रहा हूँ, जब मैं फाइबर पर नहीं रहता हूँ, मोबाइल इंटरनेट या अभी डोंगल पे रहता हूँ या सेटेलाइट पे रहता हूँ तो नहीं कर पाता, क्योंकि स्पीड उसकी बड़ी कम होती है। तो फिर नेक्स्ट जी क्लास होता है सर। ना आपके बाद में, तो क्लास से प्रॉब्लम हो जाती है, कुडंट सेंड दिस मैसेज, तो गया भी नहीं। अच्छा, भेज देता हूँ सर, ठीक है, इस दवाई से, ओके, जी मिलते हैं कल सेम टाइम। शिवम जी मिलते हैं कल, आप मुझे एक बार हाय लिख के भेज दीजिए, आपको ही भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग आज की व्हाट्सएप पे, ओके 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 ओके। रिकॉर्ड।